गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डी ए वी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास थर्ड, चैप्टर वन। देखो, अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या यूजेज हैं, क्या उपयोग हैं। द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। कंप्यूटर का जो उपयोग है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि अगर घर में हो रहा है तो उसका अलग यूज होगा, ऑफिस में हो रहा है तो उसका अलग यूज होगा, स्कूल या कॉलेज में हो रहा है तो उसका अलग होगा। तो देखते हैं सबसे पहले घर में क्या यूज है। तो एट होम, तो देखो कंप्यूटर्स आर यूज टू डू कैलकुलेशंस। घर पे कंप्यूटर का क्या यूज है, कैलकुलेशंस को करने के लिए, मेक प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, प्ले गेम्स गेम खेलने के लिए, रीड स्टोरीज पढ़ने के लिए, वॉच मूवीज एंड वीडियोज को देखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, बजट प्रिपेयर करने के लिए, इन सब के लिए कंप्यूटर का यूज होता है घर पर। अब देखो इन ऑफिस में क्या यूज है। कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑफिस। ऑफिस में क्या यूज है कंप्यूटर का, तो टू डू द वर्क रिलेटेड टू ऑफिस। ऑफिस के से रिलेटेड काम के लिए ही होता है। तो देखो क्या काम है, जैसे कि राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखने के लिए, किसी चीज को अगर प्रिंट करना हो तो उसके लिए, ईमेल सेंडिंग ईमेल भेजने के लिए, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनकी सैलरीज मेंटेन करने के लिए, इन सब के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, स्कूल एंड कॉलेजेस। थर्ड देखो इन स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल में और कॉलेज में क्या यूज है कंप्यूटर का। तो इन स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, किसके रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड बाय टीचर्स टू टीच एंड लेसन एंड क्रिएट वर्कशीट्स। कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड इन स्कूल फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट। देखो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, उनकी फीस डिटेल्स होनी चाहिए, उनका एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स स्कूल में होनी चाहिए। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं स्टोर करके रख सकते हैं। यही टीचर्स की, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स, उनकी सैलरी, ये सब सारी जो डिटेल्स हैं हम कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। फिर देखो दे आर ऑल्सो यूज बाय टीचर्स। टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर का जो यूज होता है वो क्या होता है, टीच पढ़ाने के लिए, लेसन्स, ठीक है, एंड लेसन्स के लिए, एंड क्रिएट वर्कशीट क्रिएट करने के लिए, वर्कशीट्स बनाने के लिए कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन स्कूल। और एक मोस्ट कंप्यूटर का यूज है स्कूल के अंदर, आपका जो रिजल्ट तैयार होता है वो भी किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है उसके अंदर भी, तभी आपका रिजल्ट तैयार होता है। अब देखो इन बैंक्स में क्या यूज है। तो कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंक्स फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स के जो भी डेटा होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनको स्टोर करने के लिए, उनको उनका संग्रहण करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ देयर अकाउंट्स, उनके जो भी अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, द मनी दे हैव डिपॉजिटेड एंड कौन से कितनी मनी वो डिपॉजिट करते हैं, जमा करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर, उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, कितनी विड्रॉ करते हैं इस चीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू विड्रॉ मनी थ्रू ATM, और जो वो पैसे निकालते हैं वो किसका यूज कर सकते हैं, ATM का। ATM के थ्रू वो इजीली क्या कर सकते हैं,
पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ये एटीएम किससे कनेक्टेड होता है? कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। फिफ्थ नंबर देखो, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या यूज है? तो कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एंड प्रिपेयर डेट। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या यूज किया जाता है? मेंटेन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं? किसी पेशेंट के और जो बिल बनते हैं उनको भी तो मेंटेन करना पड़ता है, उसके भी रिकॉर्ड को तो स्टोर करके रखना ही पड़ता है ना हॉस्पिटल्स वालों को। तो इन दोनों चीज़ों को वो मेंटेन करके चलते हैं। और डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर टू डिजीज ऑफ पेशेंट्स एंड गिव द पॉसिबल रेमेडीज फॉर बेटर हेल्थ। डॉक्टर क्या करता है, कंप्यूटर क्या यूज करता है? ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो वो इजीली फाइंड आउट करी जाए, इजीली फाइंड आउट हो सके और उसके अकॉर्डिंग ही उसको बेटर रेमेडीज यानी अच्छी से अच्छी दवा दी जाए उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, अब देखो एट रेलवे स्टेशन एंड एयरलिफ्ट। एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर क्या यूज है? तो कंप्यूटर्स आर यूज फॉर टिकट बुकिंग एंड टू ट्रैक द शेड्यूल ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। कंप्यूटर का यूज है टिकट बुक करने के लिए और जो भी आपके ट्रेन और फ्लाइट्स के शेड्यूल्स तैयार होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनके पैसेंजर्स के सामने उनको शो करने के लिए। ठीक है, इसलिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप रिजर्वेशन भी कर सकते हो, मतलब अपने पहले से सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में क्या है, कंप्यूटर का रोल क्या है? तो कंप्यूटर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग टू डिजाइन बिल्डिंग मशीन्स कार्स क्लोथ एनिमेटेड फिल्म बुक्स। यस, क्या है, कंप्यूटर डिजाइनिंग के क्षेत्र में क्या यूज होता है कंप्यूटर का? आपकी जो बिल्डिंग है उनकी डिजाइन बना सकते हो, किसी भी मशीन्स की डिजाइन बना सकते हो, कार की डिजाइन बना सकते हो, क्लोथ्स की बना सकते हो, एनिमेटेड फिल्म्स आती है उनकी डिजाइन आप बना सकते हो, उसमें वॉइस डाल सकते हो, बुक्स वगैरह की डिजाइन बना सकते हो, बुक्स का कोई कवर पेज बना सकते हो, ये सब क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो कंप्यूटर पर। अभी देखो एट नंबर, स्पेस रिसर्च इन स्पेस रिसर्च, इनमें कंप्यूटर का क्या यूज है? तो साइंटिस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड सेंड रॉकेट्स एंड सैटेलाइट इनटू द स्पेस। साइंटिस्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज क्या करते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर से क्या यूज होता है कंप्यूटर का? कि वो लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सेंड रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। वो रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को कहाँ भेजते हैं? स्पेस के अंदर भेजते हैं। फिर है नाइन नंबर, इन डिफेंस, इन डिफेंस, डिफेंस में क्या यूज है कंप्यूटर का? तो देखो कंप्यूटर आर यूज्ड बाय द आर्म फोर्स ऑफ ए कंट्री सच एज ए रडार एंड एयर क्राफ्ट टू डिफेंड द कंट्री। कंप्यूटर का यूज होता है डिफेंस में, जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो भी सोल्जर्स होते हैं जो वर्क कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए उन्हें पहले से ही अलर्ट करने के लिए। ठीक है, कि आपकी जो एक सीमा है इस पर ये युद्ध हो रहा है तो पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन सोल्जर्स के पास पहुँचाने के लिए। द हेल्प इन क्रिएटिंग कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स यूजिंग सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो भी सोल्जर्स होते हैं हमारे, जो भी सैनिक होते हैं और उनके ऊपर जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन
आसानी से हो जाए, आसानी से उनके बीच में एक लिंक बैठ जाए, ताकि अगर सोल्जर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर सके, उनसे हेल्प ले सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।